अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक हो गए। तो बाबा जी अभी अभी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि यंगस्टर्स और चैन के और सनी खान दुरानी का गाना आएगा शायद, और अभी गाना आया है। मतलब कि मेरे सामने जीरो व्यू है, 102 लाइक, 1 डिसलाइक। बिना टाइम जाया कि शुरू करते हैं भाई, बंदा शायद कुछ नया लेके आया। बिना टाइम जाया कि यस कमांडो। मैं कोई अजनबी, क्या मैं कोई अजनबी, कभी कभी लगे पैदा मैं गलत सदी, आए हंसी मुसीबत के वक्त में भी, हाउ फनी मेरी माँ चाइना की सगी, घमंडियों के साथ मैं भी घमंडी, पहली मुलाकात में पहचान लू नियत भी, शख्सियत भी ऐसी रब ने दी, ऐसा से कमतरी में गुजरे दुश्मन की जिंदगी, रंग मेरी बंदी की कॉल है, मेरी जान छिन उर्दू रैप कॉल है, कभी तुझे भी देख के तबा ये कौम है, कल कॉलेज टाइम मेरी बेटी ने बताया तू चिंग चांग है, बता रही थी कि तू टिकटॉक में टॉप है, हिप हॉप में पापा, बेटी बीच में नहीं बोंगते बेटा, तेरी कमाई के लाख से ज्यादा पास कर या गाड़ी जहाज में दुनिया, क्या घूमी लगे तू बच्ची बात सा बेटा, अजनबी मैं कोई इस दुनिया का नहीं। वैसे आजकल मैं खुद भी कंफ्यूज, ऐसे कुछ लोगों को मुझ पे गुस्सा, जैसे मैं आरएसएस का मोदी मनहूस सा या मोदी का बाबू बजरंगी बेवकूफ सा, गुस्सा कुछ जनता को मुझ पे इतना उस बाबू की तरह, जैसे मैं दरिंदा, जैसे मैं खुशी से मुसलमान की लाशें गिनता, मजहब के नाम पे इंसान जलाता जिंदा, उन लोगों की मुझ पे बिल्कुल ठीक, मुझे खुद अपनी सोच पे आती उल्टी, जाहिल मैं नो डिग्री लिखूं उर्दू गीत, आई विश आई कुड बी स्टडीज हाई फाई यूनी नोस, ताकि मुझे भी लोग देते रेस्पेक्ट, लगाता मैं यूनी का नाम इंस्टाग्राम पे, चलता दिमाग कहता मैं कुरान एंड में, रिश्ता मां बहनों का गॉड मेड या मैन मेड, वो फैन हेट के कमेंट से बहक गया बोला वो चेक कॉम नहीं तेरा माइंडसेट तबाना। अबे ये किसको कह रहा बोला? नहीं यार सॉरी यार, मैंने आज तक कभी रोका नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे पीछे करने दो, सॉरी यार बुरा ना मनाना। चलो यार यहाँ से शुरू करो। के साथ फहाशी भी एक कला, मैं सब ये मल्लिका शिरावत से सीखा, ठीक है मान लिया, भाड़ में गई परंपरा, नाचने के साथ आधा नंगा बदन कला, कल मेरे शूट पे भेज अपनी बहन, जरा सच्चा कलाकार मैं मेरा कलम खड़ा, बहुत हार्ड फैन नुरा फातेही का मैं, बहुत हार्ड गर्मी 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 गंदी नंगी बंदी, बहुत हार्ड बहुत हार्ड से याद पॉन पॉन से नेटफ्लिक्स से, कौन कहता है कि केस वायलेंस वो बेहिस, नेटफ्लिक्स ने मुझे मजहब से ज्यादा इल्म दिया, जेंडर ने प्यार में सारे सुरा टीम की, व कृष्णा को मुंह में मेरा प्यार लेना है, मैं आसमानी मेरा जमीन पे हर कोई नाम ले रहा है, अजनबी मैं कोई इस दुनिया का नहीं, अजनबी मैं कोई इस दुनिया का नहीं। सबसे पहले तो यार सीधी बात, मैं जिस चैन के को सुनता था ना ऑनेस्टली, वो चैन के मुझे इस गाने में नजर आया। ओ हो नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मानता, ओ भाई मुझे मारो, क्या खूबसूरत मजेदार यार, ये चीज थी जो मैं मिस कर रहा था यार,
जब से असली हिप हॉप आया मुझे कोई खास नहीं लगा। ऑनेस्टली तुम लोग बहुत बड़े फैन फॉलोअर हो, मुझे पता है ढाई हार्ट और ये और वो, मैं हिप हॉप को सुनता हूँ बस और अपना ओपिनियन रख देता हूँ। कौम तरबा आया मुझे उतना खास नहीं लगा। अमशकल आया मैंने वो मुझे थोड़ा खींचा, जब तक है जान कह रहा हूँ, हाँ जब तक मैं जिंदा वो आया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये वो चैन के है जो मैं सुनता था यार, जो सोच में था, जो इलीगल वेपन क्या वो सारा का गाना था जिंदगी इलीगल, वो था ये चैन के यार। ओ अच्छा गाने की तो बात होगी, मुझे बहुत कमाल का लगा ऑनेस्टली। अब जिस चैन के को मैं सुनता था ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं चैन के को जानता हूँ, मतलब उसके गाने एक अच्छा, ये दो बंदों को टेस्ट था। अब मुझे शक हो रहा है, अब मैं पता नहीं गलत भी हो सकता हूँ, उसने या तो मुझे किया डिस या तो उसने किसी और को किया, मैं एवी बिला वजह अपने आप पे ले रहा हूँ, क्योंकि बीच में वो जो उसने बात की है वो तस्वीर ये वाली तस्वीर है। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन उसने मेरी शायद वीडियो देखी हो और शायद वो मैं हूँ, मुझे डिस करने की उसने कोशिश की और शायद, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तस्वीर लगी है मैं बैठा हूँ, शायद कहीं ना कहीं उसने मेरी बात की हो। अब लेकिन मैं गलत भी हो सकता, मतलब मैं वाकई में गलत हो सकता हूँ, वो शायद किसी और की बात कर रहा था, कमेंट वमेंट मैंने नहीं किया था, पता नहीं कौन है किसी और ने किया हो, इसलिए मैं अपने आप पे पूरा नहीं डाल रहा, शायद किसी और को कह रहा हो, लेकिन ये तस्वीर को देख के शायद उसने किया। और मज़े की बात है मैं यंगस्टर्स की तस्वीर के बाहर नीचे चैन के की लगानी थी, अगर ये मेरे पे है, मतलब मैं अपने ऊपर शायद बिला वजह ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ना बीच में वो गाना आया तो मुझे लगा है, मैंने पहले ही दफ़ा ही सुना है, मतलब दो तीन दफ़ा और सुनूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि प्रॉपर डिस्क किस पे है। लेकिन कृष्णा मुझे बहुत पसंद है यार, कृष्णा कलमकार लेबल बहुत अच्छी लगती है, मैंने इसका लगाया भी हुआ पीछे पोस्टर, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैं तुम लोगों को पता है मैं रैप को सुनता हूँ, मुझे मज़ा आता है उस चीज़ का। हाँ जहाँ मुझे गलत लगता है कोई बंदा मैं बोलता हूँ, इस पर मुझे कोई डर नहीं लगता और मेरे को घंटा भी नहीं फर्क पड़ता कोई कुछ बोले, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने आप को खुद जवाब देना है आईने में खड़े होके, तो मैं बोलता हूँ मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कृष्णा को उसने बहुत आला यार, बहुत आला। अगेन मुझे लग रहा है मैं गलत हो सकता हूँ, शायद मैं अपने ऊपर बेफजूल की जिम्मेदारी ले रहा हूँ और चबलूती मार रहा हूँ, शायद वो किसी और को कह रहा हो, लेकिन मैं सिर्फ पोस्टर की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये एक दो दफ़ा मैं सुनूंगा, ज़रा मुझे फिर से एक दफ़ा रिवाइंड हो जाए। इस गाने में बहुत कुछ था, सबसे पहले तो कलर ग्रेडिंग बहुत आला थी, सेकंडली उसकी सोच जागती है, वो जब बीच में एक दूसरी टून पकड़ लेता है वो उसकी सोच, अगर आपने नहीं गाना सुना हुआ, ये काफ़ी दफ़ा हुआ है कि वो उसकी सोच जागती है, एक गाना था सोच वो सारा इस भी था, बहुत आला कॉन्सेप्ट था यार चैन के। मेरे तेरे से एक दो चीज़ें हैं जो मेरे इख्तलाफ हैं तुमसे, अगर तुम देखते हो मेरे रिएक्शन, अव्वल तो तुम देखते हो मुझे उम्मीद है, क्योंकि तुम्हारे काफ़ी कमेंट आए हुए हैं मेरे रिएक्शन के नीचे, तो उसके लिए शुक्रिया। और सच ही बता रहा हूँ चैन के, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मुझे वो चैन के नज़र आया जो मैं सुनता था मैं देखता था, उसमें मेरे पास चैनल नहीं था, नहीं तो मैं 24 घंटे तेरे रिएक्शन ही देता रहता, तेरे रिव्यू ही देता रहता, लेकिन अब चैनल है तो मुझे खुशी हुई है। 9-10 मिनट की वीडियो हो गया, मैं बोल ही जा रहा हूँ, मेरे पास इतने अल्फाज है बोलने को, क्योंकि मैं खुश हुआ हूँ उसने जो रिप्रेजेंट किया है। इफ़ आडम वाज बोर्न और ब्रांडन एंडियंस, कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत मज़ेदार। अब मैं ये ऐसी बात करता नहीं हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, ये वैलेंटाइन और गैलेंटाइन और ये नोनेंटाइन मोलेंटाइन, लेकिन अगर न्यूट्रल होके और सीरियस होके बोलूँ तो शायद ये वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस दिन, बहुत कमाल का गाना है, मैं लाइक करूँगा और इसको सुनूंगा अभी। अगेन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हम भी लगाएंगे भाई चैन के का पोस्टर पीछे यहाँ पे, अच्छा करके कहाँ लगाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लगाएंगे अगला गाना जब भी आया चैन के का। होपफुली मैं देखता हूँ सनी खान दुरानी का कोई गाना तो नहीं आया, क्योंकि ये दोनों एक कट्ठे चलते हैं बाबू जी, आजकल ये दोनों भाइयों भाइयों हुए हैं, भाई भाई रात को चार भाई। नहीं भाई अभी इसका नहीं आया सनी खान दुरानी का, तो हाँ मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे। बहुत आला यार, बहुत आला, बेस्ट ऑफ लक चैन के तुम्हारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं बहुत जैसे कहते हैं ना चस आ रही थी गाना सुनते हुए और कृष्णा को। ओ मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए यस कमांडो।